बोल बम, कहाँ से हैं आप लोग बम जी? शाहपुर मधुबनी में। मधुबनी यात्रा कैसा चल रहा है? अच्छा। बाबा की भक्ति में कितना आनंद आ रहा है। हर हर महादेव। जय बाबा वैद्यनाथ। आप सभी भक्तों का स्वागत है एक बार फिर से कांवरिया पथ में धौरी का क्षेत्र से। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो पूरा जो है देखने को मिलेगा इस बार कुमरसार नदी के बाद वाला नज़ारा दिखा रहे हैं आप सभी तक। बने रहिए वीडियो में, देखने अभी भी भाई इस टाइम में भी इतना ज़्यादा भीड़ है, वो भी कार्तिक वाले महीने में। वैसे तो सावन भादो आश्विन तीनों महीना चला गया, अब कार्तिक वाला महीना में इतना ज़्यादा भीड़ दिख रहा है, देख रहे हैं आप सभी यकीन नहीं करेंगे, फिर कहने लगेंगे कब का वीडियो है भाई ये। कार्तिक महीने वाला भीड़ चढ़ रहा है, बरकरार है, जब तक भीड़ चलेगी तब तक आप सभी तक अपडेट सारा मिलता रहेगा। वैसे देख रहे हैं यहाँ से आगे जो है इस साइड में है धौरी का ग्रामीण क्षेत्र, और अभी हम जा रहे हैं आप सभी को दिखा रहे हैं यहाँ से आगे इसी जगह पे सामने मिलता है महाकाल वाला शिविर, पर आप सभी को लेके चल रहे हैं कांवरिया पथ का नज़ारा। अपडेट जो भी हो, जानकारी हो, डिजिटल यात्रा हो, सभी आप सभी तक पहुँचते ही जा रहा है। देख पा रहे हैं इतना भीड़ अभी हो रहा है तो ये कम नहीं है, भक्तों की लंबी लाइन देखने को मिलता है। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं, कुछ दूर चलते हैं, देखते हैं और क्या आप सभी तक पहुंच पाता है ये नज़ारा जो होता है ना सावन वाला। उसके अलावा आप सभी को कार्तिक महीना वाला दिख रहा है सुल्तानगंज से बाबा धाम देवघर यात्रा में, पैदल कांवर यात्रा में पहुँच चुके हैं महाकाल के बोलबम सेवा समिति वाला क्षेत्र में। देखिए इसकी जो है अब यहाँ पर खेती शुरू हो गई है, क्योंकि भाई अब तो ऐसे ही खाली रहेगा, बाकी तो सावन में आप सभी को बहुत ही अच्छा यहाँ पर सेवा मिला ही था। आगे देख रहे हैं आप सभी को लेके चलते हैं, अभी भी इतना भीड़ देखने को मिल रहा है तो ये कम नहीं है भाई। अभी देख रहे हैं यहाँ पर दो चार पीछे जहाँ से हमने शुरू किया बहुत ज़्यादा संख्या में देखने को मिला। चलिए महादेव के दीवाने तो बहुत ही रूप में देखने को मिलते हैं, पर आज के डेट में देखते हैं कहीं भी जो है वो डांडी दंडवत वाले मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्योंकि दंडवत यात्रा वाले जो है सावन के बाद जो है भादों में ज़्यादा मिले थे। चल रहे हैं, पहुंच चुके हैं जयनगर बमकाली वाला क्षेत्र में, यहाँ पर कुछ ज़्यादा संख्या में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ये पथ की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो भी चुकी है। ये रहा जयनगर का चौराहा, यहाँ पर भी लगा था दिल्ली वाला शिविर इस कोने में, और अभी देख रहे हैं अभी तो भाई शिविर तो इस टाइम में रहेगा नहीं, इस टाइम में तो कुछ देखने को मिलेगा नहीं शिविर जैसा, बस दुकान मिल जाए यही काफ़ी ज़्यादा है। और आगे देखते हैं दुकानों में भी ऐसा नहीं है कि सुविधाएं नहीं मिलती, रुकने ठहरने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल ही जाती है आप सभी भक्तों को, और जितने भी आने वाले आगामी भक्त हैं वो ज़्यादा डिमांड करते रहते हैं, उनको जानकारी मिलते रहती है इस अपडेट के माध्यम से। आगे पहुंच चुके हैं, देखिए आगे का नज़ारा जो भी है आप सभी तक पहुंच रहा है। ये सभी नज़ारा जो है आप सभी को कुमरसार नदी पार करने के बाद ही मिलता है। यहाँ पर शिविर लगता है मधेपुरा का और चौसा मधेपुरा रास्ते में, इस पथ में स्वर्ग वाले रास्ते में भाई बोलबम का जयकारा और शिव नाम भाई ये तो देखने को मिलेंगे ही। इस रूट में शिव नाम ना हो तो फिर क्या है ये शिव नाम वाले रास्ते। हर हर महादेव। सभी भक्तों की जय हो, जितने आप सभी वीडियो के माध्यम से जुड़े रहते हैं सभी भक्तों की जय हो। यहाँ पर जूस वाले एक्टिव हैं भाई, जूस वाले। वैसे देखिए आगे यहाँ पर भी दिख रहे हैं कांवरिया भक्त। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे का और भी नज़ारा कैसा रहता है आप सभी तक। लगातार जानकारी भाई कुछ ना कुछ आप सभी तक पहुंचता ही रहता है। देख रहे हैं आगे का जो भी नज़ारा है आप सभी तक किस प्रकार पहुंच रहा है, कहीं खाली तो कहीं भीड़, कहीं नॉर्मल, कहीं एक दो, कहीं दो चार। आगे देख रहे हैं ये है ना नीलकंठ महादेव बोलबम सेवा समिति, ये यहाँ भी बंद हो चुका है भाई। ये तो सब सावन में ही बंद हो जाते हैं, बाकी देख रहे हैं दुकानों में भी बहुत सारे भक्त यहाँ पर विश्राम में हैं। आगे यहाँ पर कुछ ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है। दसपेशिया धर्मशाला भाई यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे तब मिलेगा, यानी कि पीछे जहाँ से हमने अपडेट शुरू किया 1 किलोमीटर की यात्रा तय हो चुकी है।
आगे इधर वाला लगभग लगभग दुकान देख रहे हैं ना, चालू है। और इधर का देख रहे हैं जितना दुकान है, जब तक कांवरिया भक्त रहेंगे तब तक तो चालू रहेगा ही। बाकी आगे का पता वही है जो पिछले बार आप सभी तक पहुंचा था, वैसा ही दिखेगा जैसा आप सभी तक दिखता रहता है। ये सभी दुकान देख रहे हैं चालू है। आगे तो बढ़ रहे हैं और भी चलते हैं भाई। देखिए छोटे भोले सभी जा रहे हैं, क्या आवाज़। बोल बम बोल बम बोल बम, देख रहे हैं कितना ज़्यादा आनंदमयी बना देते हैं जहाँ बोल बम का नारा हो भाई, वैसा कुछ माहौल बन जाता है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार चलते जा रहे हैं, आगे और बढ़ते जा रहे हैं। इधर का दुकान देख रहे हैं धीरे धीरे सभी बंद होते जा रहे हैं, और आगे भीड़ दिख रही है। थोड़ा सा और आगे चलना है तभी तो कुछ दिखेगा, और जितना दिखेगा आप सभी और बने रहिए, अपडेट के जरिए आप सभी तक पहुंच ही जाएगा। एक बम जी यहाँ पर विश्राम से आगे बढ़ रहे हैं। आगे और देखिए यहाँ पर भीड़ कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं भक्तों का। यहाँ पर देखिए जय श्री राम, जय श्री राम, बना दे बिगड़े काम सभी भक्तों के नाम। थोड़ा थोड़ा बढ़ना पड़ेगा इस रूट से चलते हुए। भीड़ देख रहे हैं, दुकानों में भी बैठे हैं, रास्ते में भी हैं। इस स्वर्ग का नज़ारा कुछ इस प्रकार रहता है, और आज अभी तक अपडेट भाई पहुंचता ही रहता है। देख रहे हैं बहुत सारे भक्त चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जो भी नज़ारा है आप सभी तक पहुंच रहा है, और पहुंच चुके हैं महाकारा वाला ग्रामीण क्षेत्र तक। एक बार फिर से आप सभी तक ये अपडेट पहुंचता जा रहा है। तो चलिए जितने बन रहे हैं वीडियो में बने ही रहिए लगातार, और भी लगता है कुछ और दूर भी चलते हैं, क्योंकि आप सभी कहते हैं ना कि थोड़ा सा दिखाते हैं मज़ा नहीं आता है, मतलब आनंद नहीं आता है। जो जैसे भक्त होते हैं वैसे भाषाओं का प्रयोग करते हैं। वैसे यहाँ पर लगा था इस बार रानीगंज का शिविर, क्योंकि यहाँ पर लगता था नीलखंड का शिविर, इस बार रानीगंज का शिविर लगा था, अररिया रानीगंज ऐसा कुछ था। आगे देख रहे हैं आगे का नज़ारा लगातार, ये दुकान तो भाई खुलने लगे हैं, अब दुकान नहीं रहेंगे इस क्षेत्र में। आगे देखिए भक्तों की भीड़ कुछ ज़्यादा कुछ कम, जो भी है महादेव के दीवाने जैसे चलते हैं वैसा आप सभी तक पहुंचता जाता है। आगे देख रहे हैं यहाँ से अब दस पेशिया की दूरी 3 किलोमीटर है भाई, यानी एक और किलोमीटर की यात्रा तय हो चुकी है डिजिटल के माध्यम से। बोल बम बोल बम, कहाँ से हैं आप लोग बम जी? शाहपुर मधुबनी। यात्रा कैसा चल रहा है? अच्छा। बाबा की भक्ति में कितना आनंद आ रहा है? बहुत। कितना दिन हो गया आज यात्रा का? दूसरा, आज दूसरा दिन है। बोल बम हर हर महादेव। देख रहे हैं कितना जो है आनंदमयी माहौल बन जाते हैं इस पथ का, क्या बात है, बहुत सुकून सा लगने लगता है भाई। खैर मेरा तो कुछ पता नहीं, मुझे तो सुकून यहीं पे मिलता है इसी रूट में। आप सभी बताइए अपना अपना एक्सपीरियंस, मुझे बहुत आनंद आता है। सारा दुख दर्द गम तकलीफ जितना है ना कह सकते हैं एक तरह से, कुछ याद नहीं आता जब इस पथ पर रहते हैं आप सभी भक्तों के साथ। तो बाकी घर जाते हैं तो थोड़ा बहुत वही हालत में आ ही जाते हैं, पर इस रूट में कभी नहीं आए हैं। पता नहीं यहाँ पर बाबा का कैसा प्रकोप रहता है ये भी नहीं पता, बस इतना पता रहता है कि ऐसा कुछ होता है, कुछ जो है देखने को मिलता है, महसूस होता है कि कोई ज़्यादा उलझन नहीं लगता। बाकी जीवन का जो भी उलझन है भाई आना जाना तो रहेगा ही। और ये देखिए मधुकरपुर पहुँच चुके हैं, अपडेट जानकारी आप सभी तक मिल रहा है। यहाँ पर जूस वाले दुकान वाले भाई एक्टिव हैं, ये दुकान वाले एक दो दुकान वाले जो ना सालों भर एक्टिव रहते हैं यहाँ पर। एक यादव जी का होटल है, दुकान है, वो सालों भर रहते हैं। आगे देख रहे हैं पहुँच रहे हैं, आगे का भी नज़ारा आप सभी तक देखिए किस प्रकार पहुँच रहा है। ये है आनंद बाबा धाम वाला, क्या बात, देखिए किस प्रकार मस्त माहौल में चलते हैं भाई, मस्त माहौल में। दुकानों में भी देख रहे हैं बहुत सारे विश्राम में हैं भाई। देखिए भीड़ देख करके तो लगता नहीं कि एपिसोड को दाइंड करें, इसलिए लग रहा है कि दिखाते ही चलें दिखाते ही चलें।
हाथियों की भीड़ जो देखने को मिल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। आप सभी तक भीड़ ना दिखेगा तो आप लोग भी कहेंगे कि अब नहीं चलता है, या फिर भीड़ दिख जाएगा तो आप लोग को मालूम हो जाएगा ना कि जो है हाँ अभी भी इतना चल रहे हैं कांवरिया भक्त। तो देखिए लगातार दूर दूर तक जहाँ तक निगाहें जा रही है वहाँ तक देख रहे हैं कांवरिया भक्त नज़र आ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और दूर लेके चलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में पहुँचते हैं, फिर जो है आज की वीडियो का द एंड करेंगे। देखते हैं थोड़ा सा और आगे चलकर, अभी भी देख रहे हैं कांवरिया भक्त बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। बोलबम का नारा है, महादेव का जयकारा है और ये ग्रामीण क्षेत्र महकारा है। बस आज की एपिसोड को इतना ही, आज की डिजिटल यात्रा को इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नए एपिसोड में, नए नज़ारे के साथ। हर हर महादेव सभी भक्तों को कांवरिया पथ महकारा वाला ग्रामीण क्षेत्र से।